उस दृष्टि से यदि हम लोग सोच करके देखें तो जो आज का दिन है वो एक बड़ी ही गंभीर पुकार को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग स्वयं जागने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि भारत के भविष्य को जगाने के लिए आए। हम लोग इसलिए आकर के बैठे हैं क्योंकि ये घड़ियाँ भारतीय संस्कृति के, भारतीय स्वाभिमान के, भारतीय अस्मिता के जागरण की घड़ियाँ हैं। गुरुदेव 19 वर्ष के थे और 19 वर्ष की अवस्था में भारत में साइमन कमीशन आया, उसी समय में पूर्ण स्वराज्य की बात चल रही थी और गुरुदेव ने उस अवस्था में सैनिक समाचार पत्र के अंदर एक कविता को लिखा और लिखी गई कविता तो 110 वर्ष पुरानी है, पर ऐसा लगता है कि आज सुबह बैठ करके गुरुदेव लिख रहे हो। और उस कविता में गुरुदेव ने लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंसकोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले। गुरुदेव ने क्या कहा, क्या लिखा, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। ये समय सोने वालों के लिए उत्तिष्ठत लेकर के आया, सिपाहियों के लिए जागृत लेकर के आया और बाकियों के लिए वरान निबोधत लेकर के आया कि हर व्यक्ति को उठने की, जागने की और उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो गुरुदेव दिखा करके गए। ये समय जागरण का है दोस्तों। हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि इस जागरण की घड़ी में हमारा हाथ लग जाता है। मैं इस बात को कई बार बोलता हूँ कि जो गुरुदेव की लिखी गई योजना है वो तो किसी न किसी रूप में पूरी होकर के ही रहेगी, सौभाग्य हमारा होगा यदि उस योजना में हाथ हमारा लग जाता है। वो जो नदी है वो तो बह रही है, उस नदी के अंदर उतरने का, उस नदी के अंदर अपने हाथ को लगाने का, उस नदी के अंदर अपने आप को आहूत करने का सौभाग्य यदि हमें मिलेगा तो उससे बढ़कर के हमारे जीवन का दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। जो आज का दिन है वो हमें यही याद दिलाता आया कि जो योजना है, जो ईश्वरीय योजना है, जो देवी योजना है, वो भारत के परिवर्तन की है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।